बच्चा गोवर्धन दास जी। गुरुदेव, ये नगर तो दूर से ही बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ रहा है। देखो कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। गुरुजी महाराज, हाँ, नारायण के आश्रय से नगर तो बहुत सुंदर है जो सो। अब भिक्षा भी कुछ सुंदर मिले तो बात बने। हाँ हाँ हाँ, नारायण दास, नारायण दास। जी गुरुदेव, तू पश्चिम की ओर से जा। जी गुरुदेव। गोवर्धन दास, गुरुदेव तू पूरब की ओर से जाना और देखना जो कुछ भी सरल सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुदेव, मैं अच्छी भिक्षा लाऊंगा। हाँ। यहाँ तो लोग बड़े मालदार दिखाई देते हैं, आप चिंता ना करें। किंतु बच्चा, ज्यादा लोभ नहीं करना, समझ गए ना? गुरुदेव, लोभ मितावत मान, लोभ कभी नाही के या मैं नरक लोभ पाप को मूल है। अरे कबाब लो कबाब, गर्मा गर्म कबाब, बेहतर आंच का, 84 मसालों का कबाब। जो खाए वो होठ चाटे और जन्नत खाए वो दांत काटे। कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर बेचा टके से। ए चना 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 चना, गर्मा गर्म मसालेदार चना चना, चुनमुन बोले बाबू मैना खाने को मुंह खोले। चना बनाए घासी राम, चना खिलाए घासी राम। टके से चना, टके से चना, टके से चना, टके से चना। अरे फुटबॉल की नारंगी, सिलेट की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, रंगतरा संतरा, केवला नींबू, मीठा नींबू, नारंगी रो नारंगी। भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी लो नारंगी, एक टके की एक से नारंगी लो नारंगी, नारंगी लो नारंगी। धनिया धनिया ले ले धनिया, अरे आलू मेथी पालक सरसों का साग ले, मिर्चा मिर्चा मिर्चा, अरे जैसा रैयत राजी खाजे पाजी, अरे टके सर भाजी, अरे हिंदुस्तान का फ्रूटर बेर, काजू किशमिश बादाम अंजीर चिरौंजी आलू बुखारा चिलगोजा, ये सरद आम का पेटी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का दांत भी काटा हो गया। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारा आदमी बम्बक बम्बक,
काजू बादाम सब टका से टका से। मैं तो लाया हूँ दाने अनार के मेरे चूरन के 100 दिन बाहर के। मैं तो लाया हूँ दाने अनार के मेरे चूरन के 100 दिन बाहर के। ले टके से जात लो जात टके सेर जात, जात लो जात टके सेर जात। अरे भाई एक टके में 2 जात बेचता हूँ मैं, 1 टके में 2 जात। अरे यहाँ अंधेर नगरी में झूठ बिके टका सेर, सच्चाई बिके टका सेर, प्रतिष्ठा बिके टका सेर और गवाही बिके टका सेर, लेकिन हम बेच रहे हैं धर्म और जात की दीवार टके सेर। लीजिए 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 धर्म और जात की दीवार टके सेर, टके सेर टके सेर, सब कुछ है टके सेर। मच्छी ले लो मच्छी, मच्छी ले लो मच्छी, मोटी ताजी मच्छी, अरे मोटी ताजी मच्छी, मच्छी ले लो मच्छी, मच्छी ले लो मच्छी, सबका सब 1 टके में, 1 टके में, अरे रहू ले लो रहू, अरे रहू ले लो रहू, झींगा ले लो ना साहब झींगा, अरे झींगा, मंगरू लोगे क्या, मंगरू रूपचंद ले लो साहब रूपचंद, बड़ा रूपचंद। अरे नारंगी वाले भाई जरा हाट घूम लें फिर आते हैं तुम्हारे पास भी। अरे आइए भाई साहब आइए, अरे बड़ी मनमोहक हाट है, चने वाला, बादाम पिस्ते वाला, कपड़े वाला। अरे ये दुकान वाली क्या बेच रही है? अरे साहब लो ना मच्छी, सबकी सब ताजी है। राम 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 राम। साधु संतों का जात पात से क्या काम, साधु संतों की कोई जात नहीं होती, सब इंसान एक है और सबका मालिक एक है। अरे परे हटिए बच्चा, अरे क्यों भाई बनिए, आटा कैसे दिए? टके से। टके से जी हाँ। और चावल? टके से। और चीनी? टके से। और घी? टके से। सब कुछ टके से? जी हाँ, हाँ, टके से। अरे वाह बड़ा आनंद है यहाँ। अरे ओ भाजी वाले, अरे अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाजी। भाजी क्या भाव? अरे टके से। अरे सारी भाजी टके से, आनंद ही आनंद है यहाँ। अरे मिठाई क्यों रे हलवाई, मिठाई कैसे दिया? अरे बाबा जी बर्फी गुलाब जामुन जलेबी खाजा सब टके से। अरे सारी मिठाई भी टके से। अरे हुआ आनंद ही आनंद है इस नगरी में। क्यों रे हलवाई तुम मुझसे मस्खरी तो नहीं करता ना, सब मिठाई टके से रहे ना। अरे बाबा जी मैं आपसे कोई मस्खरी नहीं कर रहा हूँ, इस नगरी की चाल ही कुछ ऐसी है, यहाँ सब टके से मिलता है। अरे अरे इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे आनंद ही आनंद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बाबा जी कुछ ले लीजिए। अरे हाँ बच्चा, मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, तुम एक काम करो 3.25 शेर मिठाई तौल दो, इतने में गुरु चेले छक्के खाएंगे। लीजिए महाराज। और ये लीजिए। और बेटे जीते रहो बच्चा, आनंद आनंद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर खाजा। I'm sorry.
नारायण दास जी गुरुदेव। नारायण दास जी वो तो कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ आओ जी। तुम हमेशा स्त्री प्रसंग में ही लिप्त रहते हो गुरुदेव, कभी इन चीजों से बाहर निकल कर भी देखो। जी गुरु जी। नारायण दास जी गुरु जी, मैं आज तुम्हें लोभ के विषय में बताऊं। गुरुदेव जी गुरुदेव। अरे बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया है गुरुदेव? अरे वाह, गठरी तो भारी मालूम पड़ रही है, देखूं जरा। गुरुदेव बहुत माल लाया हूँ, सवा तीन शेर मिठाई है, देखूं। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयां कहां से लाया? ऐसे कौन से धर्मात्मा से भेंट हुई तेरी? अरे गुरुदेव, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से सारी मिठाई मोल ले ली। अच्छा, एक बार नारायण दास ने मुझसे कहा था। हाँ, क्या? कि इस नगरी में सारी चीजें टके सर मिलती है। हाँ, ये तो कहा था मैंने, किंतु मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। अच्छा गोवर्धन दास, ये कौन सी ऐसी नगरी है और इसके राजा कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां सारी चीजें टके शेर के भाव मिले। सेत सेत सब एक से, जैसे कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश मा कभू न कीजे वास। कोकिल बासन एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाढ़ी में विषय जहां नानेकू विवेक। अर्थात बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में यदि हमें 1000 मन मिठाई भी मुफ्त की मिले तो वो हमारे किस काम की? नहीं गोवर्धन दास, मैं तो यहां एक क्षण भी नहीं रहूंगा। अरे गुरुदेव, संसार में ऐसा कौन सा देश होगा जहां 2 पैसे में मजे से पेट भर जाता होगा? गुरुदेव, बाकी जगह तो दिन भर भिक्षा मांगो, ढंग से पेट तक नहीं भरता, कई बार तो उपवास करना पड़ता है। गुरुदेव, इस नगरी में कम से कम 2 पैसे में मजे से पेट तो भर जाता है। गुरुदेव, मैं ये नगर छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे कोई कष्ट ना होगा। गुरुदेव, मैं तो यह कहता हूं कि आप यहीं रहिए। नहीं, मैं इस नगर में क्षण भर भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, मैं तो सफीर कहता हूं, तू भी हमारे साथ चल, अन्यथा पीछे पछताएगा। नहीं गुरुदेव, मैं यहीं रहूंगा। तो ठीक है, मैं तो जाता हूं, किंतु इतना याद रखना, यदि कभी कोई संकट आन पड़े तो हमारा स्मरण अवश्य करना। गुरुदेव, मैं आपका नित्य स्मरण करता रहूंगा, लेकिन गुरुदेव मैं फिर कहता हूं कि आप यहीं रहिए ना। नहीं गुरुदेव, चलो गुरुदेव। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महाराज, क्या कहा? सुर्पण खाइए महाराज। नहीं नहीं, ये कहता है पान खाइए महाराज। लुच्चा पाजी, नहा के हमको डरा दिया। ए मंत्री, इसे 100 कड़े लगाओ। महाराज, इसमें इसका क्या दोष? ना ही तमोली पान खाने को कहता और ना ही ये पान खाने के लिए कहता। तमोली ने तो पान आपके लिए लगाया था ना। काम करो, जाओ और तमोली को 200 कड़े लगाओ। मगर महाराज, इसमें इसका क्या दोष? अगर सुर्पनखा हे मंत्री, बार बार वही नाम लेते हो तुम है? देखो, हम जाके रानी को बोल देंगे कि तुम बेर पैर उसे सौत बुलाना चाहते हो। शराब लाओ। जी महाराज।
लीजिए महाराज। चल ले। लीजिए महाराज। और दो। जरूर महाराज। दुहाई है। अरे कौन है, कौन चिल्लाता है, सामने आओ। लेके आओ उसे। जी महाराज। क्या हुआ, चलो। दुहाई है महाराज, दुहाई है, न्याय हो। न्याय? न्याय होगा और ऐसा होगा जैसा यम के यहां भी नहीं होता। बताओ क्या हुआ महाराज। उस कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। मंत्री, उस कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ कर लाओ। जाओ महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती है। दीवार नहीं लाई जा सकती, और तो ठीक है, उस दीवार का भाई दोस्त आशना जो भी हो सब पकड़ कर लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने पत्थर की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता है। अच्छा, तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। हाँ जी महाराज, जाओ कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। जी महाराज। ए कल्लू बनिए, चलो दरबार में बुलाया, चलो। महाराज की जय हो। क्यों बे कल्लू बनिए, क्यों बनाया ऐसी दीवार, जो इसकी लड़की बरकी दब के मर गई। बरकी नहीं महाराज, बकरी। बकरी? मेरी बकरी महाराज। शांत रहो, हम बात करो। बोल महाराज, इसमें मेरी क्या गलती, कारीगर नहीं ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई है। देखा मंत्री, हमें तो इस शक्ल से ही नाम मुराद लगता है, ये क्या दीवार गिराएगा। एक काम करो, इसे भेजो और कारीगर को बुलाओ। जाओ कारीगर को बुला के लाओ। जी महाराज। अरे क्या हुआ भाई, मुझे कहां ले जाते हो। अरे मेरा कोई दोष नहीं है, अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। दरबार में कहना। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मेरा कोई दोष नहीं है। मंत्री जी, महाराज। अरे महाराज जी, जय हो महाराज। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। हमने तो पूछा ही नहीं। तो फिर पूछे ना महाराज। ए कारीगर, क्यों रे, क्यों बनाई ऐसी बकरी, जो बकरी गिर गई और दीवार दब गई। मेरी बकरी महाराज। अरे कर रहे हैं न्याय, शांत महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सच में। वो तो हाँ महाराज, वो तो चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अरे रे रे, देखा देखा मंत्री, हम नहीं कहते थे इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, ये क्या दीवार तोड़ेगा। एक काम करो, इसे लटकाओ और मुन्ने वाले को बुलाओ। है? नहीं नहीं, इसे भेजो और उस मुन्ने वाले को बुलाओ। नहीं नहीं महाराज, चूने वाला, चूने वाला। हाँ हाँ हाँ, चूने वाले को बुलाओ। जी महाराज। ए चूने वाले, चलो दरबार में बुलाया है, चलो। क्यों रे चुन्नीला, खैर सुपारी, क्यों ऐसी बकरी बना दी कि दीवार गिरा दी और बकरी मरा दी। ए प्रभु, मेरी बकरी। अरे चलो ना, कर रही है पंचतंत्र। बोल महाराज। मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, खुदा कसम महाराज, वो तो भिष्टी ने चूने में इतना पानी डो दिया महाराज कि चूना कमजोर हो गया महाराज। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। देखो कैसे उकड़ू होकर बैठा हुआ है, ये खुद सीधा खड़ा नहीं हो सकता, दीवार का गिराएगा। एक काम करो, इसे भेजो और भिष्टी को बुलाओ। ठीक है, जाओ भिष्टी को बुला के लाओ। जी महाराज। क्यों बे बिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, क्यों बनाई ऐसी पानी वाली दीवार, जो दीवार गिर गई और बकरी मर गई। हे महाराज, मेरी बकरी। कर रहे हैं बात, कर रहे हैं बात। महाराज महाराज, वो कसाई ने ऐसी बना दी कि उसके बाद उसमें पानी ज्यादा आ गया और वो मर गए। क्या बना दी महाराज? कसाई ने मसक बड़ी बना दी, उसमें पानी ज्यादा आ गया महाराज। मसक बड़ी बना दी। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, इसे भेजो और उस कसाई को मिलाओ। जाओ
कसाई को जल्दी लेके आओ। अरे महाराज। हाँ कसाई आ गया। क्यों महाराज, मुझे क्यों बुलाया था? हमने कहा बुलाया, मंत्री ने बुलाया है ना मंत्री। वो मंत्री कह रहा था कि वो मस्तक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा डल गया, दीवार गिर गई, बकरी मर गई। ऐसे ही मेरी बकरी। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, टके के भाव गरेडिये ने बड़ी भेड़ बेच दी। हाँ। उससे बड़ी मशक बन गई और उससे ज्यादा पानी आ गया। समझे महाराज? देखा, हमने नहीं कहा था, ये तो शक्ल से कितना बोला बोला जी लगता है। ए, तो तुम जहां जाओ। अच्छा हुआ चला गया। ए मंत्री। जी महाराज। उस टंगेरिये को बुला। टंगेरिये नहीं महाराज, गरेडिया। हाँ उसी टंगेरिये की बात कर रहे हैं। हाँ। बुलाओ उसे। जाओ गरेडिये को बुला के लाओ। जी महाराज। तुम्हें दरबार में बुलाया, चलो। महाराज। गरेडिया। टंगेरिये क्यों रे, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची जिससे मसक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा डल गया और बकरी दब गई और दीवार मर गई? महाराज आदिराज मेरी बकरी। आओ आओ। नहीं नहीं भाई, नहीं पूछो, नहीं पूछ। अरे नहीं कर रहे हैं ना बात, बोल। देखिए महाराज, उस दिन क्या हुआ ना, ये कोतवाल साहब की सवारी वहां से जा रही थी, सो उस समय मेरे को ध्यान नहीं रहा कि भेड़ छोटी बिकी बड़ी बिकी कैसी बिकी। अब इसमें मेरा क्या दोष है? देखा मंत्री, हम ना कहते थे कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कोतवाल का किया धरा है। लेकिन महाराज कोतवाल तो यही है। कोतवाल महाराज? अच्छा तो आपके साथ ही हूँ। महाराज डर की तरह उछल कूद कर रहे हो, क्यों इतनी धूमधाम से निकाली सवारी कि तुमने बकरी गिरा दी और दीवार दबा दी? महाराज महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, वो मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था महाराज। ये तो बड़ा गजब हुआ, कहीं ऐसा ना हो ये बेवकूफ पूरे शहर को फूंक दे। क्यों बे, तूने इतने धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? ऐसा इससे पूछे महाराज है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ शाबाश शाबाश मंत्री। क्यों रे कोतवाल, क्यों निकाली इतनी धूमधाम से सवारी के तुमने दीवार गिरा दी और बकरी मरा दी? नहीं नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। महाराज। नहीं 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 नहीं। इस कोतवाल को सरे बाजार फांसी की सजा सुनाई जाए। महाराज महाराज महाराज। अरे महाराज, अरे कंट्रीये ने मरवा दिया रे। अरे मंत्री जी, अरे कोई तो बचाओ महाराज। अरे महाराज। सभा बर्खास्त है। सभा बर्खास्त महाराज। हाँ सभा बर्खास्त। और मेरी बकरी है बर्खास्त। अरे महाराज। गुरुदेव जी ने नाहक ही मना किया था इतना दिन में रहने के लिए। अरे भैया माना कि ये देश बुरा है लेकिन अपना क्या? अरे भाई हम कोई सरकारी कामकाज में थोड़े हैं जो हमें डर लगे। अपने के तो भैया मजे से मिठाई खाना और राम भजन करना। मिठाई खाएगा? नहीं बाबा जी नहीं, धन्यवाद। ठीक है तंग मत करना, मैं ध्यान कर रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा।
हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। ओ महाराज जी चलिए बहुत मिठाई खा ली, अब आपका समय आ गया। चलिए चलिए बाबा जी, आपका तो नमो नारायण हो गया है। ये आफत कहां से आ गई? अरे भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? अब आपने बनाया है या बिगाड़ा है इससे हमें क्या, आप तो बस फांसी चढ़िए। फांसी? हाँ फांसी। अरे बाप रे बाप, फांसी? अरे मैंने किसकी जमा पूंजी लूटी है जो मुझे फांसी? अरे मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझे फांसी? अरे बाबा जी बात यह है, पूरे नगर में आप मोटे पाए गए इसलिए आपको फांसी होती है। अरे मोटे होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है भाई? अरे साधु संतों और फकीरों से हंसी नहीं करनी चाहिए। अरे बाबा जी जब फांसी पर चढ़िएगा ना तब बोलिएगा कि हंसी है कि मजाक, सीधे चलते हैं कि हाँ ले चले। अरे बाबा क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? अरे तुम लोग भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे भाई भगवान को जवाब तो राजा देगा, हम तो हुक्मी बंदे हैं, क्यों भाई? अरे अरे आखिर बात क्या है जो तुम लोग मुझे बेकसूर फांसी पर चढ़ाने ले जाते हो? तो बाबा जी बात दरअसल ये है कि हमारे कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। हाँ। और फांसी का फंदा हो गया बड़ा, क्योंकि कोतवाल साहब ठहरे पतले दुबले व्यक्ति, तो हमने राजा के सामने फिर से रज लगाई, तो राजा साहब ने हुक्म दिया कि नगर से किसी मोटे तगड़े व्यक्ति को पकड़ लाइए और फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। अब क्या है ना महाराज जी, बकरी मरी है तो बकरी के न्याय में किसी को तो फांसी होनी है ना, तो चलिए आपको फांसी पर चढ़ाएंगे, तो चलिए चलिए। अरे अरे छोड़ो। अरे, अरे अरे इस नगर में और कोई मोटा आदमी नहीं मिलता जो मुझ बेकसूर फकीर को फांसी चढ़ाते हो? बात दरअसल ये है ना बाबा जी कि वैसे भी इस नगर में राजा के डर से कोई मुटाता नहीं है, हम किसी और के पास जाएंगे तो नाहक हमें ही परेशान करेगा, और वैसे भी इस नगर में साधु संतों की तो दुर्दशा है, तो चलिए आपको ही फांसी देंगे। चलिए। अरे अरे दुहाई हो परमेश्वर की, मैं बेकसूर मारा जाता हूँ, ये अंधेर नगरी है। अरे गुरुदेव मेरे प्राण बचाओ। अरे छोड़ दो मुझे, अरे मुझे नाहक मारा जाता है। अरे लोगों कुछ तो धर्म विचारो, अरे सन्यासी को फांसी चढ़ा के तुम लोगों का क्या लाभ होगा? ए चुप, क्यों नाहक हल्ला करता है? अरे राजा का हुकुम है, टलने वाला नहीं है। गुरुदेव समय है बेटा, राम का नाम ले राम का। गुरुदेव जी ने ठीक कहा था कि बेटा इस नगर में न रह, मैं ही नहीं माना, उसी का फल मुझे मिला। अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर की जान बचाए। अरे गुरुदेव कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। चुप चुप गुरुदेव। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुदेव दीवार गिर गई, बकरी मर गई, ये लोग मुझे फांसी चढ़ाते हैं। बच्चा गोवर्धन दास, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, किंतु तैने मेरी बात कहां मानी? गुरुदेव
उसी का तो फल मिला है मुझे। गुरुजन मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, सब कुछ मेरे आप ही है। मेरे प्राण की रक्षा कीजिए गुरुदेव। गोवर्धन दास तू निश्चिंत रह, नारायण सब समर्थ है। सिपाहियों, मैं अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। तुम दोनों तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। जी बाबा जी। गोवर्धन दास तनिक यहाँ आना। मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं 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 गोवर्धन दास, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, अब हम बूढ़े भए, पहले हमको जाने दो। अरे गुरुदेव, मुझे फांसी हुई है, फांसी मैं चढ़ूंगा। सिपाही, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। नहीं गुरुदेव, मैं गोवर्धन दास, पहले मैं। अरे क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं फांसी चढ़ूंगा। क्यों सिपाही, ये क्या गोलमाल है? महाराज की जय हो। महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हाँ हाँ, मैं चढ़ूंगा। शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। क्यों बाबा जी, ऐसी क्या विपदा आई कि आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसा साइत होता है कि जो भी पहले फांसी पर लटकेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। राजा क्या अच्छेत, और कौन बैकुंठ जा सकता है? इसीलिए हम फांसी चढ़ेंगे। इसे जल्दी जल्दी नीचे उतारो। उतारो। डालो डालो। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सूजन समाज, ते ऐसे ही आपहू नस है जैसे चौपट राज।